हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान में टॉप मेडिकल कॉलेज कौन कौन सी है। अगर आपका सपना है डॉक्टर बनना और अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, आप 11th क्लास में हैं, आप 12th क्लास में हैं, या आप अभी 10th में हैं और आप 11th में बायोलॉजी लेना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे आगे जाके नीट क्लियर करना है, मुझे MBBS करनी है, तो राजस्थान के विद्यार्थी, राजस्थान में कौन कौन सी टॉप कॉलेज है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर MBBS टॉप कॉलेज कौन कौन सी है राजस्थान के अंदर, एक प्रॉपर वीडियो बनाओ। तो मैं वीडियो बना रहा हूं, साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि काफी बच्चे डिमांड कर रहे हैं JEE को लेकर कि IIT JEE पर वीडियो बनाओ। बहुत जल्दी उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। और 10th क्लास के, 11th क्लास के, 12th क्लास के विद्यार्थियों को जो भी जानकारी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए अपने करियर ऑप्शन को लेकर, एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले एक मिनट की इंफॉर्मेशन, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप नीट IIT JEE सबकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी भारत का नंबर वन लर्निंग ऐप है और अनअकैडमी पर आप मुझसे पढ़ने के लिए, मैं वहां पर जनरल साइंस पढ़ा रहा हूं, तो मुझसे पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से इसको रजिस्टर और साइन इन करना होगा और उसके बाद में आपको गोल सेलेक्ट करना होगा। तो आप गोल सेलेक्ट करें रेलवे एग्जाम, बिकॉज मैं रेलवे एग्जाम में पढ़ा रहा हूं, तो रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद में आप फ्री लाइव क्लासेज में जाएं। फिलहाल मैं फ्री लाइव क्लासेज में पढ़ा रहा हूं। फ्री लाइव क्लासेज में जाने के बाद में आपको क्या करना होगा, नाम सर्च करना होगा अरविंद कुंडारा, मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, प्रोफाइल पे जाके फॉलो कर लें और प्रोमो कोड लगा के मेरी सभी क्लास देख सकते हैं। तो अभी मेरी 11 बजे क्लास है, 11 बजे वाली क्लास में आप आ सकते हैं। जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, तो प्रोमो कोड लगाएं Genuine10, GENUINE10, Genuine10 प्रोमो कोड लगाएं, क्लास ओपन हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन कर दूंगा क्लास का। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 10th क्लास के बाद में सब्जेक्ट चूज करनी पड़ती है बायोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी ले रहे हैं, आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी आपने सब्जेक्ट लिए, तो आप बिल्कुल नीट एंट्रेंस दे सकते हैं। अगर आप 11th के साथ ही तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, 11th 12th, तो 12th के साथ ही ज्यादातर बच्चे फॉर्म भर देते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में भी काफी सारी और काफी बड़ी बड़ी कॉलेज है मेडिकल की। अगर हम SMS की बात करें, अगर हम जोधपुर एम्स की बात करें, जो काफी बड़ी मेडिकल कॉलेज है, उनके बारे में आपको बताऊंगा कि कितनी कितनी सीट है, कितनी फीस लगती है, ठीक है भाई। तो 12th के बाद को आपको एक एंट्रेंस देना होगा MBBS करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। और MBBS के लिए जो एंट्रेंस होता है वो होता है नीट। कौन सा होता है? नीट, NEET, नीट एक एंट्रेंस होता है। नीट से पहले, अभी तो नीट कंप्लीट कर दिया, नीट के अंदर ये सिस्टम है कि आप अब अलग से स्टेट का कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होता या नेशनल लेवल पर कोई अलग से मेडिकल टेस्ट, मेडिकल एंट्रेंस नहीं होता। अब इसको कंप्लीट एक ही एंट्रेंस कर दिया स्टेट की कॉलेज के लिए भी और जितने भी भारत के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेज है सबके लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस कर दिया, वो है NEET यानी नीट। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले जो एंट्रेंस होते थे वो होते थे IPMT और RPMT। राजस्थान के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें अलग से राजस्थान की सीटें होती थी और उसके लिए होता था राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट। और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी कॉलेज हैं उनके लिए एक टेस्ट होता था IPMT यानी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तो ये कुछ टेस्ट होते थे, AIPMT होता था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। अब कुल मिला के एक ही एंट्रेंस कर दिया नीट। तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं कि भाई मुझे MBBS करना है, मुझे राजस्थान की टॉप मोस्ट कॉलेज में पढ़ना है, तो कौन कौन सी टॉप मोस्ट कॉलेज है आइए हम देखते हैं। पहली जो कॉलेज है, अब यहां पर मैं बता देता हूं कि टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन राजस्थान, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितनी है तो मैं बताऊंगा। यहां पर 8 तो टोटल प्राइवेट है और 16 गवर्नमेंट कॉलेज है। 3-4 सालों में बहुत ज्यादा कॉलेज का निर्माण हुआ है, बहुत ज्यादा कॉलेज ओपन हुई है राजस्थान के अंदर, पहले इतनी कॉलेज नहीं थी। तो यहां पर जो है 8 प्राइवेट कॉलेज हैं और 16 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। पहली गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं जो रैंक में सबसे ऊपर आती है और उसका हॉस्पिटल भी सबसे ऊपर आता है रैंक में, सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं, फीस भी कम लगती है, हर तरीके से अगर देखा जाए तो SMS जो है मेडिकल कॉलेज नंबर वन आती है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज SMS MC यानी मेडिकल कॉलेज जयपुर नंबर वन है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कितनी सीटें हैं। तो यहां पर जो है 250 सीटें हैं SMS मेडिकल कॉलेज के अंदर। एनुअल एवरेज फीस कितनी लगती है? लगभग 36,000 के आसपास, 36,850 के आसपास कुछ आपकी एवरेज फीस लगती है। तो आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आपकी फीस लगेगी। मैं यहां पर बताना चाहूंगा इसका एडमिशन कैसे होता है, तो एंट्रेंस देना होगा आपको, नीट देना होगा।
और ये फाउंडिंग ईयर कब इसका ये कॉलेज जो है एस्टैब्लिश हुआ 1951 में। तो आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी कॉलेज है, 1951 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुई है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा सेकेंड कॉलेज जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स जोधपुर। अब जोधपुर के अंदर एम्स है और एम्स का एक अलग से पेपर भी होता है। जितने भी एम्स हैं दिल्ली के अंदर, पटना के अंदर, जोधपुर के अंदर जितने भी एम्स हैं, एम्स का एक अलग से पेपर भी होता है। तो यहां पर जो है अगर आपने एम्स क्वालिफाई किया है तो आप एम्स कॉलेज मिल जाएगा, आप जो है यहां पर नीट से भी एम्स में आ सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स जोधपुर के अंदर आप सेकंड रैंक की कॉलेज है। इसका फाउंडिंग ईयर है 2012 में ये बना है। इसके बाद में इसका नीट से ही क्वालिफाई होगा। सीट कितनी है, 100 सीट है, 100 इसमें सीट है नीट वालों के लिए। और एवरेज फीस कितनी है, लगभग 13,730, बहुत मामूली फीस है देखा जाए तो। थर्ड जो कॉलेज है वो है डॉक्टर संपूरानंदन मेडिकल कॉलेज। तो डॉक्टर संपूरानंदन मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो ये SNMC कॉलेज है, जोधपुर के अंदर है। कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। फाउंडिंग ईयर कब है इसका, तो 1965 में इसका फाउंडिंग ईयर है। एंट्रेंस एग्जाम नीट ही होता है। सीट कितनी है, तो 250 लगभग सीट है इसके अंदर। और एवरेज फीस है 36,850 के आसपास। अब यहां हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पे कौन सी मेडिकल कॉलेज है, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज। और ये कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। इसमें कितनी सीट है, 250 सीट इसके अंदर है, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर के अंदर। पांचवें नंबर पे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC आती है जो कोटा के अंदर है। ये भी काफी पुरानी कॉलेज है देखा जाए कोटा के अंदर, तो पहले से ही मेडिकल कॉलेज है। तो लगभग 250 इसके अंदर सीटें हैं। और नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो अजमेर के अंदर है, JLN जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर के अंदर है। और इसके अंदर लगभग 150 सीट है। वहीं मैं बात करूं नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की, रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज, ये आपका उदयपुर के अंदर है। कहां पर है, उदयपुर के अंदर है रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट मैं बात करूं यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झालावाड़ के अंदर भी एक, और इसमें भी लगभग 100 के आसपास सीट है। उदयपुर में भी 100 के आसपास है और इस वाली के अंदर भी 100 के आसपास सीट है। RUHS की बात करूं, ये प्रताप नगर जयपुर के अंदर है। RUHS आपने नाम सुना होगा, काफी बड़ी मेडिकल कॉलेज है, सेंटर भी है। तो RUHS कॉलेज प्रताप नगर जयपुर के अंदर लगभग 100 सीट के आसपास है। वहीं मैं लास्ट में 10 नंबर पे बात करूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर, तो बाड़मेर में भी जो है काफी बड़ी मेडिकल कॉलेज है और लगभग 10 नंबर पे इसकी रैंक आती है और इसमें भी लगभग 100-150 सीट है। तो ये लगभग मैंने आपको 10 कॉलेज का नाम बता दिया, लगभग 10 जो टॉप मोस्ट कॉलेज हैं राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट में। वैसे टोटल जो कॉलेज देखा जाए तो अभी तक जो है 16 के आसपास कॉलेज बन गई हैं, और भी मेडिकल कॉलेज सभी जिलों के अंदर बन रही हैं। धीरे धीरे मेडिकल की जो सीट है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, आप MBBS करना चाहते हैं, तो इन टॉप मोस्ट जो कॉलेज हैं राजस्थान की, इनसे आप कर सकते हो। मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, कितनी सीट है, लगभग कितनी फीस होगी। और देखो क्या होता है, जैसे हम भरतपुर की बात करें, भरतपुर के अंदर भी कॉलेज है, अलवर के अंदर भी मेडिकल कॉलेज है। इनमें अब क्या होता है, मतलब अलग से आपका प्लेसमेंट, जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें तो आपको पूरा ही डोनेशन देना पड़ता है। अब जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसके अंदर आपको जैसे पेमेंट बेस भी आपकी सीट मिलती है कि लगभग 8-10 लाख आपको साल का पे करना होता है, मतलब फीस देनी होती है, और फिर आप MBBS कर सकते हैं। वो नीट से ही आपका जाता है, अगर नीट में आपकी कम रैंक भी है तो आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। तो ये मेडिकल कॉलेज के ऊपर वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। और ऐसी और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।